नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह क्या था। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 में भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया आंदोलन था। अछूतों के मंदिर में प्रवेश को लेकर किया गया था। नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था। इसमें 5,000 दलित लोग शामिल थे, जो कि उसमें ज्यादातर पिछड़ी जाति के लोग शामिल थे और उसमें महिलाओं की भी संख्या अधिक थी। यह आंदोलन 5 वर्ष 11 महीने और 7 दिन तक शुरू था। नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह और संघर्ष में पूछा गया कि जब ईश्वर सभी के हैं, तो मंदिर में प्रवेश सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों दिया जाता है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से लोग नासिक शहर में आए थे। वहीं 2 मार्च 1930 में भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में एक सभा आयोजित की गयी, जिसमे यह निर्णय लेना था कि सत्याग्रह किस प्रकार करना है। कुछ दिन में उन्होंने सबको यह सूचना दी कि सत्याग्रह अहिंसा के मार्ग पर चलकर करना है। वहीं अगले दिन 3 मार्च 1930 को सत्याग्रह की 4 टुकड़ियों के मंदिर के चारों दरवाजे पर तैनात कर दिया। नासिक के कालाराम मंदिर के पुजारी और पुलिस ने अपनी सारी पुलिस और पुजारियों को मंदिर पे तैनात पहले से कर दिया था और सभी दरवाजे बंद भी कर दिए थे, क्योंकि वह सत्याग्रह का विरोध कर रहे थे। और मंदिर का दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि वह सोच रहे थे कि कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश ना कर ले। शहर के सवर्ण समाज के लोगों ने सत्याग्रह में शामिल सभी लोगों पर हमला कर दिया और लाठी भी बरसाई, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी घायल हो गए। सत्याग्रह लोगों की संख्या सवर्ण लोगों से अधिक होने के बावजूद भी उन्होंने हिंसा नहीं की, क्योंकि उन्हें अपना सत्याग्रह अहिंसा के मार्ग पर चलना था। सभी दलित लोग भीमराव अम्बेडकर के आदेश का पालन कर रहे थे। यह करीब 6 साल तक चलता रहा, किंतु राम मंदिर के दरवाजे दलित लोगों के लिए नहीं खुले। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अपरिवर्तनीयता को देखते हुए यह निर्णय लिया कि वह हिंदू धर्म छोड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।